हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचुरल कुसुमा ट्रस्ट। अगर आप सब भी बाल से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, आप सबके बाल बहुत ही ज़्यादा गिर रहे हैं, दो मुहे से हो गए हैं, रूखे बेजान से हो गए हैं, चमक नहीं रह गया है, तो आज जो होम रेमेडी लेके आई हूँ ये आप सबके बाल को बहुत ही हेल्दी बनाएगा, चमकीला बनाएगा। और टूटना तो मैं कह रही हूँ, आप 1 से 1.5 महीने या 2 महीने इसको यूज़ कर रहे हो तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आपका बाल टूटना एकदम जड़ से बंद हो जाएगा। और अगर डैंड्रफ है तो वो भी सही होगा आपका। और ये एकदम अजमाया हुआ नुस्खा है, कोई फेक वीडियो नहीं है। तो आप इसको एक बार 1 महीने के लिए इसको लगा के देखिए। और इसमें मैंने ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं जो आपके बाल को हेल्दी और मुलायम और मोटे और घने बनाएंगे। और इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इससे कोई गर्ल्स बॉयज कोई भी लगा सकते हैं, किसी भी उम्र के लगा सकते हैं। आप इसको अपने बच्चों के भी सिर पे लगा सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इससे बाल घने बहुत होंगे, अच्छे हो जाएंगे, आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुछ ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइए अपना फीडबैक कि ये होम रेमेडीज कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह ये तैयार करना है, किस तरह बनाना है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए हम लोगों को। तो चलिए देखते हैं। और मैं अपने ये बाल पर लगा के खुद दिखाऊँगी किस तरह आपको लगाना है। स्टार्ट द वीडियो। देखिए ये मैंने लिया है कच्चा आंवला। अब हम इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। और ये प्याज है, ये प्याज भी आपके बाल अगर जड़ से गिर गए हैं तो नए बाल उगाने में बहुत ही हेल्प करता है। आंवला तो गुणकारी खुद में है ही है, बाल के लिए तो रामबाड़ा समझ लो। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। देखिए अब अच्छे से पेस्ट बनाना है आपको। ये मैंने मिक्सर जार में डाल दिया है, ग्राइंड कर लेंगे। ये मैंने कर लिया, ये लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा सा दर्द रहा है। अब ऐसे पेस्ट लगाना चाहो तो बाल पे ऐसे ही लगा सकते हो पेस्ट। अगर डरते हो कि बाल में फंस जाएगा तो आप जूस, जिस तरह से मैंने जूस निकाल के बताया है, इस तरह आप लगा सकते हो। देखिए ये मैंने लिया है VLCC का एलोवेरा जेल। ये आपके बाल सिल्की और शाइनिंग करेगा। अगर आपके पास प्लांट वाला है, आप घर पे एलोवेरा लगा रखे हो तो उसको डालिए, बहुत ही अच्छा है। और फिर लिया है मैंने नारियल तेल। अगर आपके बाल को नारियल तेल नहीं सूट करता तो आप अपने बाल में जो भी तेल आप यूज़ करते हो वो तेल आप इसमें डाल सकते हो, या विटामिन ई कैप्सूल 2 डाल सकते हो इसमें, बहुत ही हेल्दी होंगे बाल। अब इन सभी को आपको मिक्स करना है। और ऑयल डालने से आपके बाल ड्राई नहीं होंगे, मजबूत होंगे। और अगर आपको लग रहा हो कि एलोवेरा जेल कम है तो थोड़ा और आप डाल सकते हो। देखिए मेरा कम था तो इसलिए मैंने थोड़ा और ऐड किया है। और इन सभी को आपको मिक्स करना है। फिर किस तरह से लगाना है मैं अपने सिर पे लगा के दिखा रही हूँ आपके। कह रही हूँ जितने भी हेयर से रिलेटिव प्रॉब्लम है, बहुत गिर रहे हैं, बहुत परेशान हो झड़ने से बाल से, तो आप इसको लगा रहे हो। 1 महीने में आपको फ़र्क दिखेगा कि आपको कितना अच्छा ये असर करता है बाल पे। देखिए ये मेरा बन के तैयार हो गया है। चलिए देखते हैं कि कैसे लगाना है। देखिए आपको कंघे करके बाल सुलझा लेने हैं और फिर बाल के जड़ में अच्छी तरह से आपको मसाज करने हैं कि जड़ में एब्जॉर्ब हो जाए आपके बाल में। और लेंथ है, बाल के लेंथ में है, वहाँ तक भी लगाना है। अगर 2 मुहे बेजान से हो गए ना तो आपके बाल पहले से बहुत ही अच्छे होंगे, सिल्की होंगे। जो एलोवेरा जेल इसमें डाला हुआ है वो आपके बाल चमकदार बनाएगा, सिल्की बनाएगा। आंवला है, ये बहुत ही ज़्यादा आपका बाल ब्लैक करेगा। और अगर जड़ से गिर गए हैं बाल आपका तो ये प्याज इसमें डाला हुआ है, इसका जो जूस है ये आपके नए बाल उगाने के लिए बहुत ही मददगारी है। देखिए और अच्छी तरह से आप अपने फिंगर की हेल्प से बाल के जड़ में लगा लीजिए। जितना भी लेंथ है बाल का, जितना भी बड़ा है, वहाँ तक आप लगा लीजिए। आपके बाल पहले से बहुत बेहतर होंगे, अच्छे होंगे एकदम। मैं तो कहती हूँ ये बाल के लिए रामबाड़ जेल है। आप इसको 1 महीना लगा के देखिए। और इसमें कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो आपके बाल को नुकसान करेंगे। आप इसको अपना भी यूज़ कर सकते हो, अपने बच्चों के भी सिर पे लगा सकते हो, कोई इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए अपना फीडबैक कि ये होम रेमेडीज़ कैसी लगी आप सबको। देखिए जिस तरह से मैं लगा रही हूँ इसी तरह से आपको लगाना है। और आपके बाल इतने ब्लैक होंगे, इतने घने होंगे, इतने मोटे होंगे, बहुत ही अच्छे हो जाएंगे आपके बाल, मैं ये कह रही हूँ। देखिए ये
आजमाया हुआ नुस्खा है और फिर तब शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। देखिए मैंने लगा लिया है, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।